गुड मॉर्निंग बच्चों और गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सोमनाथ थोरात नारियलवाड़ी हिंदी स्कूल नंबर 1 से फिर एक बार बच्चों आपके लिए सब्जेक्ट मैथ्स लेकर आया हूं और टॉपिक जो है अपना एंगल्स और सब टॉपिक जो है एंगल्स में हम लोग आज प्रोट्रैक्टर के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। एंगल का मेजरमेंट किस तरह से लिया जाता है इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो टू पॉइंट्स, पहला जो है प्रोट्रैक्टर जिसे हम लोग अपने मातृभाषा में कहते हैं चांदा, और दूसरी बात है उस चांदा से उस प्रोट्रैक्टर से हम लोग दिया हुआ एंगल किस तरह से मेजरमेंट करेंगे इसके बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। और उसी में ही अपना जो है प्रॉब्लम सेट नंबर जो है 25, इसमें जो अलग अलग हम लोगों को प्रॉब्लम्स दिए है ये सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर से एक बार सभी स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चे, सबको गुड मॉर्निंग। आज के पार्ट में सहभागी होने वाले सभी टीचर्स, हमारे अधिकारी, सबको सोमनाथ थोरात सर गुड मॉर्निंग करता हूं। और लेसन शुरू करने से पहले बच्चों थोड़ा सा रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवाइज करने के बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। बच्चों पिछली बार हम लोगों ने एंगल्स जो कि टॉपिक नंबर 6, और जिसमें हम लोगों ने एंगल्स किस तरह से कौन कौन के टाइप से होते हैं इसके बारे में पढ़ा है। मुझे पता है मैंने सिखाया आप लोगों को उसमें 3 प्रकार के टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्टूज एंगल, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जो एक्यूट एंगल जो होता है लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से कम होता है, और जो राइट एंगल होता है वो ऑलवेज एनी टाइम 90 डिग्री का होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद हम लोगों ने ऑब्टूज एंगल जो अबव 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री का जिसका मेजरमेंट होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है अलग अलग प्रकार के हम लोगों ने एंगल्स मैंने घड़ी के माध्यम से आपको समझाया था। बच्चों समझ में आ रहा है? ओके, तो ये सारे प्रकार के एंगल्स हम लोगों ने अंदाज से हम लोगों ने देखा था कि ये ऑब्टूज एंगल है, ये राइट एंगल है और ये एक्यूट एंगल है। आज हम एक्चुअली एंगल्स का मेजरमेंट किस तरह से लिया जाता है इसके बारे में हम लोग जरूर पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हमारे बैग में ऐसा कंपास बॉक्स होता है और जिसमें ज्योमेट्री के अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, साधन होते हैं। हमें पता है इस बॉक्स में चांदा होता है यानी प्रोटेक्टर होता है, रबर्स होता है, पेंसिल्स होता है, मतलब जो जो हम लोगों को ज्योमेट्री में फिगर्स निकालने के मटेरियल लगता है वो सारी चीजें इसमें होती है। उसी में का आज हम लोग प्रोट्रैक्टर, यानी के हम लोग अपने मातृभाषा में जिसे कहते हैं चांदा। और बच्चों इस चांदा से ही ये जो अलग अलग एंगल्स दिए हुए होते हैं ना, इसका मेजरमेंट लिया जाता है। तो किस तरह से मेजरमेंट लिया जाता है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले। तो सबसे पहली बात तो ये जो प्रोट्रैक्टर है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो तैयार हैं आप लोग? चलो देखते हैं प्रोटेक्टर क्या होता है और उसका उपयोग क्या होता है। तो बच्चों यहाँ देखिए, ये जो प्रोटेक्टर होता है जिसे हम लोग मातृभाषा में चांदा कहते हैं, इसका आकार देखा जाएगा, शेप देखा जाएगा तो ये सेमी सर्कल है, राइट, सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है। और इस सेमी सर्कल में देखिए यहाँ जो है ये आउटसाइड जो हिस्सा है ये
लेफ्ट साइड से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 150, 160, 170, 180, मतलब बाहर का जो हिस्सा है, मतलब लेफ्ट साइड का हिस्सा जो है 0 से लेके 180 तक नंबर दिए है, और इसमें अंदर का हिस्सा जो है राइट साइड से, दाहिनी तरफ से। और दाहिनी तरफ से हम लोग अंदर साइड देखेंगे, इनर पार्ट देखेंगे, तो उसकी भी शुरुआत जो होती है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, मतलब आउटसाइड और इनर साइड दोनों तरफ से हम लोगों को यहाँ पे ये तो पक्का मालूम हो गया है कि इस प्रोटेक्टर पे 0 से लेके 180 तक नंबर दिए। और ये इसमें जो छोटा छोटा पार्ट दिया है ना, इसको बच्चों डिग्री बोलते हैं, जिससे हम लोग अपने अपने मातृभाषा में अंश बोलते हैं। तो यही माध्यम से, यही साहित्य, यही प्रोटेक्टर से हम लोग अपने दिया हुआ कोई भी एंगल जिसका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, कोई भी एंगल, हाँ ध्यान रखिए, और इस प्रोटेक्टर से माध्यम से हम लोग दिए हुए माप के अलग अलग, दिए हुए मेजरमेंट के अलग अलग एंगल्स भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। और यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, ध्यान रखिए, यहाँ पे सेंटर पॉइंट है। हमें पता है कि अगर हमें कोई भी दिया हुआ एंगल अगर उसका मेजरमेंट करना है, तो ये जो सेंटर पॉइंट होता है बच्चों, ये सेंटर पॉइंट होता है हमेशा जो दिया हुआ एंगल होता है उस पर रखना है, सेंटर पॉइंट, ये जो सेंटर पॉइंट है ना, उसी को ही हम लोग कोई भी दिया हुआ एंगल से, उस एंगल का जो वर्टेक्स है, मतलब शीर्ष बिंदु पे रखना है, ध्यान रखिए बच्चों। अभी मुझे, अभी हमें इस एंगल का मेजरमेंट लिखना है, ध्यान रखो बच्चों, इस दिया हुआ एंगल का मेजरमेंट लिखना है। तो कोई खास बात है, सबसे पहले तो ये हम लोग करेंगे कि जो दिया हुआ हम लोगों को प्रोटेक्टर है, जो चांदा है, उसका जो पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग जो भी एंगल से उसके वर्टेक्स पे बराबर रखेंगे, ध्यान रखिए बच्चों। और मैंने ये जो एंगल से इस साइड निकाला है, मतलब मैंने राइट साइड से निकाला है, तो इसका मेजरमेंट हम लोग बाहर के हिस्से से नहीं जाएंगे, ध्यान रखिए बच्चों, अंदर के हिस्से से, इनर पार्ट है, तो इनर पार्ट की जो शुरुआत है 0, 10, 20, 30, 40, और ध्यान रखना है अगर ये लाइन आप लोगों का ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं छोटी है और मुझे बढ़ाना है, तो बच्चों इस लाइन को हम लोग बढ़ा सकते हैं आगे, देखिए मैं बढ़ा सकता हूं इसको, देखो बच्चों, अगर हमें लगता है कि इस लाइन अब मुझे बराबर नहीं सेटिंग हो रहा है, तो हम लोग उस लाइन को बढ़ा सकते हैं और ये बराबर 90 डिग्री के यहाँ जा रहा है, यहाँ से जो सेंटर इसका प्रोटेक्टर का पॉइंट है उसको बराबर वर्टेक्स पॉइंट, मतलब शीर्ष बिंदु पर रखेंगे, तो हम लोग यहाँ से इनर जो नंबर दिए है ना, डिग्री दिया है ना, यहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ से पहला जो है 0, 10, 20, 30, 40, इसका मतलब ये जो हमारा एंगल्स दिया है, ये जो एंगल्स का नाम दिया है ए बी सी, अगर ए बी सी का हम लोग अगर मेजरमेंट लेंगे तो करेक्ट यहाँ पे बराबर 40 आता है, ये 140 वाला बाहर
का पार्ट नहीं लेना है बच्चों, ध्यान रखिए, क्योंकि हमारा एंगल जो है राइट साइड से है। अगर राइट साइड से एंगल है तो इनर पार्ट वाले जो नंबर है ना, घड़ी के उलट विपरीत बाजू वाले नंबर लेना है, तो अंदर से लेना है, ध्यान रखिए बच्चों, अंदर से लेना है। तो यहां से हम लोग अगर ये अगर हम लोग इस एंगल का अगर मेजरमेंट देखेंगे तो 0, 10, 20, 30, 40 ये बराबर 40 डिग्री का एंगल्स होता है। अब ध्यान रखिए बच्चों, मैंने ये जो लाइन बढ़ाई है, आप लोगों को लगेगा कि लाइन बढ़ाने से, लाइन बढ़ाने से ये भी लाइन बढ़ा सकते हैं और ये भी लाइन बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये दोनों लाइन बढ़ाने से एंगल में कोई फर्क नहीं होता है, कोई डिफरेंट नहीं आएगा, जो एंगल्स दिया है ना वही एंगल्स रहेगा। तो हम लोग अपने सुविधा के लिए ये लाइन बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों पहले देखिए, ये जो एंगल्स है ये हमें मिला बराबर 40 डिग्री का। वापस एक बार मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि एंगल्स का मेजरमेंट लेते समय हम लोगों को प्रोटेक्टर का उपयोग करना है, जिसमें ये पॉइंट है दिया हुआ एंगल के वर्टेक्स के बराबर रखना है। एक बार ये समझ में आया, राइट एंगल अगर है तो अंदर वाली जो लाइन है बच्चों, ध्यान रखिए, अंदर वाले जो नंबर दिए ना वो देना है, वो देखना है, ध्यान रखिए बच्चों। तो मैं यहाँ पे ये जो पॉइंट है बराबर बी पॉइंट पे रखता हूं, बी वर्टेक्स पे रखता हूं, और अगर आपको कुछ डाउट लग जाए तो आप लोग दाएं बाएं ऊपर नीचे ऐसा करके देख सकते हैं, लेकिन ये एडजस्टमेंट करना है, ये समय ऐसा है, ये नहीं चलेगा, तो ये लाइन बराबर मुझे यहाँ सेटिंग करना है। और यहाँ सेटिंग करने के बाद जो दूसरी लाइन जाती है, कौन से नंबर पे जाती है वो भी देखना है, तो वही नंबर होता है उस एंगल का मेजरमेंट। समझ में आया बच्चों? देखिए आगे दूसरा, अभी दूसरे लाइन में मैंने ये एंगल जो प्रोट्रैक्टर ऐसा पकड़ा है, अभी मैं ये प्रोट्रैक्टर ऐसा भी पकड़ सकता हूँ बच्चों, ध्यान रखिए। अभी मैंने ये जो पॉइंट है ये बराबर बी वर्टेक्स पे ये करना है, ध्यान रखो, अगर मैं ये ऐसा कर रहा हूं तो देखिए, अगर बाहर का हिस्सा पकड़ रहा हूं तो ये भी 40 डिग्री का एंगल्स आता है, ध्यान रखिए बच्चों, ये गड़बड़ी नहीं करना है। अगर एक बार आप लोगों को इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी हो गई तो आपको दिया हुआ कोई भी एंगल परफेक्ट आप लोग यूज कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, एंगल का यूज करने का, इस चांदा का अगर आप लोगों को जानकारी आ गई तो आप लोग डेफिनेट कोई बिना गलती से एंगल को हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं। अभी देखिए बच्चों, दूसरा जो एंगल्स दिया है यहाँ पे, ये एंगल्स दिया है, ये देखिए, कोई बता सकता है ये जो एंगल्स है किस टाइप का एंगल्स दिया है, कोई बता सकता है? चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता रहा हूं, ये जो एंगल्स है राइट एंगल दिया है। देखिए यहाँ पर इस एंगल्स का नाम जो है पी क्यू आर, ये एंगल्स का नाम दिया है, और ये एंगल्स जो है राइट एंगल है। मैंने इससे पहले भी बताया है कि एंगल्स का नाम टू टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, एक तो मैंने लिखा पी क्यू आर, और दूसरा जो नाम है उसका आर क्यू पी। तो ये हमें एंगल्स का नाम मिला। अभी ये एंगल्स का वर्टेक्स कौन सा है, तो एंगल्स का वर्टेक्स जो होता है हमेशा बीच में होता है, तो एंगल का वर्टेक्स मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, जहां नाम दिया है मैंने, जिसका नाम है क्यू। अभी ये एंगल्स जो है राइट एंगल ये है, ये तो मैं अपने बता रहा हूं, लेकिन इसका हमें मेजरमेंट लिखना है कि सही में उसका मेजरमेंट 90 डिग्री है या नहीं। अगर 90 डिग्री अगर इस एंगल का मेजरमेंट हो तो ये एंगल्स डेफिनेटली हमें राइट एंगल्स में आएगा। देखता हूं, चलो देखेंगे हम लोग इसका मेजरमेंट करके। तो बच्चों यहां देखिए, ये अपना वापस मैं ये प्रोटेक्टर ले रहा हूं, हमें इसका मेजरमेंट लेना है, और देखिए ये साइड से दिया है, लेफ्ट साइड से दिया है। तो सबसे पहले मैंने ये प्रोटेक्टर लिया है,
इसका पॉइंट ये है, इस पॉइंट को मैं यहां पे रखूंगा और हमें मेजरमेंट लेना है, तो मैं यहां पे रख दिया। और अगर ये ऐसा है, ये नहीं बच्चों, इसको एडजस्टमेंट करना है बराबर। बच्चों यहां देख लीजिए कि मैंने जो राइट एंगल है, ये देखिए, मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसका मेजरमेंट मैंने लिया। मुझे लगता है वापस मैं एक बार दिखाता हूं, बीच में प्रॉब्लम हो गया था कि इसका 90 डिग्री कैसे आ गया। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा प्रोटेक्टर है, ये जो पॉइंट है बराबर वर्टेक्स एंगल पी क्यू आर का वर्टेक्स क्यू है, इस पर मैंने बराबर रखने के बाद बराबर 90 यहाँ पे जा रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा है जो एंगल्स का मेजरमेंट है बराबर 90 डिग्री। तो बच्चों ध्यान रखिए, अगर इसका मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री, पी क्यू आर इसका मेजर अगर 90 डिग्री है तो डेफिनेट बनता है ये राइट एंगल जिसका मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। बच्चों आप पांचवी में है, छठी में है, सातवीं में है, आगे जाइए, 90 डिग्री का एंगल्स को हम राइट एंगल ही कहेंगे, ध्यान रखिए। और इस एंगल्स का मेजरमेंट किस तरह से लेना है मैंने आप लोगों को दिखाया बच्चों। तो मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर या आर क्यू पी इज 90 डिग्री, ध्यान रखिए बच्चों। हाँ, इसके बाद आगे वाला जो एंगल्स दिया है, मुझे लगता है ये जो एंगल्स दिया है, मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ये लग रहा है 90 डिग्री से बड़ा, मोर देन 90 डिग्री, इसका मतलब ये अपटूज एंगल में जा रहा है। अपटूज एंगल जिसे हम लोग कहते हैं, जिसका मेजरमेंट होता है 90 डिग्री के अबो। चलो हम लोग देखते हैं, इसका भी मेजरमेंट करते हैं। और मेजरमेंट करने के लिए हमेशा कोण का मेजरमेंट, एंगल का मेजरमेंट करने के लिए हमें प्रोटेक्टर का उपयोग करना है। चलो देखते हैं, इसका भी मेजरमेंट मैं लेता हूं, देखते हैं सही है कितना है इसका मेजरमेंट। चलो बच्चों देखिए, मैंने ये प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट वापस एंगल एक्स वाई जेड का वर्टेक्स पॉइंट है वाई पे रखता हूं। ये देखिए बच्चों, बराबर वाई पे रखता हूं मैं, तो ये जो जाता है इस एंगल एज बाहर का लीजिए, यहां से अंदर साइड नहीं बच्चों, क्योंकि हमारा एंगल इस साइड है, लेफ्ट साइड है, सो हमें लेफ्ट साइड से ही उसको काउंटिंग करना, उसका मेजर लेना है, ध्यान रखिए बच्चों। अगर मैं यहां से लेता हूं, देखिए बच्चों, 1, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 100 और बराबर ये 100 और 110 के बीच में लाइन है, इसका मतलब इस एंगल का मेजरमेंट है 105, 105। इस मेजर का माप है 105 डिग्री। अभी देखिए बच्चों, जिस तरह से हम लोगों ने दो एंगल्स देखे हैं, अभी ये एंगल वाई जेड इज 105 डिग्री, मतलब 105 डिग्री, जिसे हम लोग अपने मातृभाषा में कहते हैं अंश। तो ये जो मैं एंगल से एक्स वाई जेड, इस एंगल का मेजर है 105, मतलब 105 डिग्री। मुझे लगता है बहुत ही आसान है, एक बार अगर वो समझ में लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ध्यान रखिए बच्चों। तो अभी तक मैंने दो एंगल्स का मेजरमेंट लिया,
जिसका मेजरमेंट लिखा, पहला एंगल जो है पी क्यू आर, जिसका मेजरमेंट आया 90 डिग्री, सो ये जो एंगल है राइट एंगल। दूसरा जो मेजरमेंट मैंने लिया एंगल एक्स वाई जेड, हमेशा जो एंगल से वर्टेक्स से बीच में होना चाहिए, सो एक्स वाई जेड, इसका मैंने अगर मेजरमेंट लिया तो यहां पे हमें मिला 105। मतलब ये दो एंगल्स मैंने प्रोटेक्टर के माध्यम से, चांदा के माध्यम से, जिसका मैंने मेजरमेंट लिया। इसी तरह से हम लोग अपने किताब में, अपने बुक में दिए है अलग अलग प्रकार के एंगल्स दिए हैं, जिसका हम लोग डेफिनेट मेजरमेंट ले सकते हैं और हम खास हम लिख सकते हैं। आगे देखिए, तीसरा जो एंगल दिया है, यहां देखो बच्चों, तीसरा जो एंगल दिया है मेजर ऑफ एंगल एल एम एन, इसका हमें मेजरमेंट लेना है। ये देखा, इसको देखा, अभी एंगल नंबर 3 आ गए, मेजर ऑफ एंगल एल एम एन इज, तो हमें एल एम एन एंगल एल एम एन और एंगल एन एम एन, इसका मेजरमेंट ना है लेकिन अंदाज से नहीं। चलो देखते हैं, इसको भी मैं मेजरमेंट लेता हूँ। देखिए बच्चों, इसका भी मेजरमेंट लेते समय मुझे ये जो महत्वपूर्ण साधन है प्रोटेक्टर, इसका ही उपयोग हमें करना है। सबसे पहले ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं एंगल एल एम एन का वर्टेक्स एम है जिस पर मैं रखता हूं, तो मैंने बराबर यहां पे रखा है। यहां पे रखने के बाद मैं ये लाइन को एडजस्टमेंट कर रहा हूं, और एडजस्टमेंट करने के बाद ये जो लाइन जा रहा है बराबर 0 पे, तो हम लोग इनर का पार्ट लेना, अंदर वाला पार्ट लेना है। बच्चों ध्यान रखिए, अंदर वाला पार्ट लेना है, इनर पार्ट लेना है, घड़ी के सुई से अपोजिट साइड में आना है, क्योंकि हमारा एंगल जो है राइट साइड में है। अगला, राइट साइड में एंगल दिया है तो हमें प्रोटेक्टर के ऊपर जो नंबर होते हैं, अंश के जो नंबर होते हैं, अंदर वाले लेना है। ध्यान रखिए बच्चों, अगर राइट साइड से अगर एंगल दिया है तो हमें प्रोटेक्टर के ऊपर जो दिए है इनर साइड के नंबर दिए है वो लिखना। तो यहाँ पे मैंने ये लाइन एडजस्टमेंट करने के बाद हमें मिल रहा है ये लाइन बराबर 50 डिग्री पे यहाँ जा रही है, 50 डिग्री पे यहाँ जा रही है, तो मुझे लगता है ये बराबर 50 डिग्री का एंगल है, तो मैं यहां लिखता हूं 50 डिग्री। ध्यान रखो बच्चों, मैंने यहां लिखा 50 डिग्री, मैंने यहां लिखा 50, लेकिन ये एंगल का और उसमें एक कमी है, यहां पे मुझे डिग्री का चिन्ह देना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए बच्चों, यहां इस प्रोटेक्टर के माध्यम से अब तक हम लोगों ने 1, 2, 3, अभी जो तीसरा जो मेजरमेंट हम लोग ने लिया, मेजर ऑफ एंगल एल एम एन इज, एंगल देखिए ये यहां पे मैंने लिखा है अभी, तो हम लोगों ने इस प्रोटेक्टर के माध्यम से अलग अलग जो एंगल्स दिए है, राइट एंगल है जिसका हम लोगों ने 90 डिग्री मेजरमेंट लेकर यहाँ पे लिखा है, जिस एंगल का नाम है आर क्यू पी या पी क्यू आर, ये हम लोगों ने मेजरमेंट लिया है। सेकंड जो दिया है मेजर ऑफ द एंगल एक्स वाई जेड इज 105, मतलब एक्स वाई जेड, इस एंगल का यहाँ जो एंगल बन रहा है, इस एंगल का जो मेजरमेंट है 105 है, जो मैंने मेजरमेंट करके दिखाया है। 105 लिखने के बाद ऊपर मैंने डिग्री का सिंबल लगाया है। बच्चों ध्यान दीजिए, हम लोग मेजरमेंट जब लिखेंगे तभी डिग्री का सिंबल देने के लिए कभी भूलना नहीं। और अभी हम लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ से हम लोगों को थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से माइक पीछे आ गया था। चलो यहाँ से वापस देखते हैं हम लोग। तो मेजर ऑफ एंगल एल एम एन इज, एल एम एन ये एंगल दिया है और इस एंगल का हमें मेजरमेंट लेना है, माप लेना है, और मेजरमेंट लेने के बाद हमें लिखना है, या मैंने 50 डिग्री लिखा है,
फिर भी मैं एक बार वापस करके दिखाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आया इसके लिए थोड़ा सा हम चले गए थे। चलो कोई बात नहीं, मैं वापस दिखाता हूँ इस एंगल का मेजरमेंट किस तरह से लेना है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये प्रोटेक्टर लेना है, अपने पास कंपास में छोटा होता है प्रोटेक्टर, ध्यान रखिए। और ये मेरे पास जो है बड़ा प्रोटेक्टर है, अपने कंपास में ये प्रोटेक्टर रहेगा, ध्यान रखिए बच्चों। और किस तरह से पकड़ना है ये मैंने सिखाया है। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है वहां पे, यदि हमें एंगल है इस एंगल के पॉइंट पे रखेंगे, और ये दाएं बाएं ऊपर नीचे करके हम लोग इस लाइन को सेट करेंगे, और सेट करने के बाद हमें मिल जाएगा बराबर 50 डिग्री का एंगल्स मिलेगा। यहां से रखेंगे राइट साइड में है, इसलिए हम लोग इनर वाले नंबर लेंगे, ध्यान रखिए बच्चों। बाहर वाला वैनिटी से नहीं लेना है, हम लोग को जीरो से स्टार्ट करना है, ध्यान रखिए। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 तो यहाँ पे आ रहा है बराबर 50 डिग्री का एंगल आ रहा है, ध्यान रखिए बच्चों। और एक बार ये आपको पकड़ में आ जाएगा तो एंगल्स भी आपका गलत नहीं होगा। तो सो टेक्निकल प्रॉब्लम के बाद वापस हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो मैंने ये एंगल्स करके दिखाया है, जो मेजर ऑफ एंगल LMN इज 50 डिग्री। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हमेशा एंगल का मेजरमेंट लेते समय हम लोग जो दिया हुआ एंगल है उस एंगल के वर्टेक्स के बराबर जो प्रोटेक्टर है कंपास है आप चांदा है उसका पॉइंट रखेंगे, और वहां से दोनों लाइन हम लोग सेट करेंगे। सेट करने के बाद जो हम लोगों को ये लाइन जिस नंबर पे जाएगा वही नंबर उस एंगल का मेजर होगा, और वो नंबर लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिग्री का सिंबल। तो अभी तक हम लोगों ने बच्चों यहां से एंगल ए बी सी, इसमें एंगल का नाम, और अगर लाइन छोटी पड़ रही है तो हम लोग लाइन बढ़ा सकते हैं, ऊपर वाली भी लाइन बढ़ा सकते हैं, नीचे वाली भी लाइन बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा एंगल गलत नहीं होता। सेकंड में मैंने दिखाया ये चांदा, मैंने उल्टा करके ऐसा पकड़ा था, ऐसा करके मैंने दिखाया। तो यहाँ भी एंगल का पॉइंट अगर यहाँ आता है तो यहाँ ऊपर वाला जो है 40 डिग्री। थर्ड में मैं गया था राइट एंगल में, और राइट एंगल भी मैंने आप लोगों को मेजरमेंट करके दिखाया, जैसे कि पॉइंट पकड़ना है यहाँ पे तो ये बराबर जाएगा 90 डिग्री के यहाँ, ये देखिए बच्चों इस साइड का एंगल है। तो सो मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री। थर्ड जो गए थे हम लोग मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड ये 105 डिग्री 105 है, जिसका मैंने वापस करके दिखा रहा हूं कि ये जो पॉइंट है एंगल का पॉइंट है बराबर यहां रखना है, ध्यान रखो बच्चों। और यहां रखने के बाद हम लोग यहां देखिए आउटर नंबर लेना है, नहीं नहीं ये यहां से देना है, ध्यान रखिए क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है एंगल। सो यहाँ से बराबर ये ज्वाइन करने के बाद हमें बराबर यहाँ से 105, तो तब ये यहाँ से ये वाला नंबर लेना है बच्चों। तो एक बार आप लोगों को राइट में एंगल दिया हुआ और लेफ्ट साइड में एंगल में दिया हुआ जो प्रोटेक्टर का हिस्सा है किस साइड यूज करना है ये अगर समझ में आ जाएगा तो आपको कभी आपका एंगल का मेजरमेंट कभी नहीं गलत होगा। इसके बाद देखिए बच्चों हमारे किताब का पेज नंबर जो है 37, और 37 में प्रॉब्लम सेट नंबर दिया है 25, और इस 25 प्रॉब्लम सेट नंबर में अलग अलग एंगल्स दिए हैं। यहाँ पे एंगल दिया है, यहाँ ऑब्टूज एंगल दिया है, यहाँ पे राइट एंगल दिया है। आप अपने किताब का पेज नंबर 35 निकालेंगे तो प्रॉब्लम सेट नंबर जो है 25, जिसमें चार एंगल्स दिए है, मेजर द एंगल्स गिवन बिलो एंड राइट द मेजर इन द गिवन बॉक्सेस। इनका मेजरमेंट लेना है चांदा से, अपने कंपास बॉक्स में जो प्रोटेक्टर होता है उस चांदा से इसका मेजरमेंट लिखना है, लेने के बाद इसका यहाँ पे इसमें मेजरमेंट लिखना है। सेकंड जो दिया है अपने जो प्रोटेक्टर के सहायता से इसका मेजरमेंट लिखना है लेना है, और इसका मेजरमेंट यहाँ से यहाँ पे इस बॉक्स में लिखना है। और नीचे जो दिया है
और राइट एंगल दिया, देखिए इस राइट एंगल में इस राइट एंगल की दिशा ऊपर है और इस राइट एंगल की दिशा नीचे है, तो डरने की कोई बात नहीं है, फिर भी अपना जो हिस्सा है उसी तरह से पकड़ना है। ध्यान रखिए बच्चों कि अगर मैंने ये राइट एंगल के लिए मैंने ये चांदा ऐसा पकड़ा, ये प्रोटेक्टर मैंने ऐसा पकड़ा है, और दोनों लाइन सेट करने के बाद ये जो बराबर लाइन 90 डिग्री पे जाते हैं, तो वैसा ही ऐसा ना पकड़ते ही इसको उल्टा करना है, ध्यान रखिए बच्चों। और यहाँ पे अगर मैं ये करूंगा और वहां से अगर मैं आउटर साइड अगर देखूंगा तो ये लाइन बराबर 90 डिग्री पे आती है। दोस्तों आज तक के पाठ में बच्चों इस तरह से हम लोग प्रोटेक्टर का उपयोग दिया हुआ एंगल का मेजर माप सकते हैं, कर सकते हैं, और इसी तरह से सारे एंगल के मैंने आपको मेजरमेंट करके दिखाए हैं।